पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू cot x माइनस cos x अपॉन पाई माइनस 2x की पावर 3, ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos ऑफ sin x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके भी ऑप्शन दिए होंगे, ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन माइनस 1, सी ऑप्शन 1 बाई टू, डी ऑप्शन माइनस 1 बाई टू। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो है इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ पहले कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, अब इसमें देखिए यदि पाई बाई टू डायरेक्ट रखिए तो कॉट पाई बाई टू, कॉट पाई बाई टू क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट क्या होएगा बोलो, सर जीरो। जीरो, और माइनस कॉस पाई बाई टू ये भी जीरो, तो ये बेटा जीरो अपॉन जीरो को फॉर्मेट में भी दिख रहा है, यस या नो? यस सर। ओके, अब बेटा जीरो अपॉन जीरो को दिख रहा है तो हमें लिमिट तो सॉल्व करनी पड़ेगी, बट देखते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, बेटा कॉट एक्स को कुछ टेन में हमें चेंज करना है, तो कैसे चेंज होगा, यदि हम कॉट एक्स को ये लिख सकते हैं क्या, टेन पाई बाई टू माइनस एक्स लिख सकते हैं बेटा बोलो, माइनस यस सर। उसी तरह कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी कॉस को साइन में क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, ये क्यों किया है अभी इसका भी देखते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन, बेटा नीचे से आप ऐसा करिए टू कॉमन लीजिए, इससे टू कॉमन लोगे तो बाहर क्या निकल के आएगा, एट निकल के आएगा, अंदर क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस एक्स का पावर क्यूब। यहां तक बेटा क्लियर हुआ सबको बोलो, यस सर। सर वो फर्स्ट बेटा स्टेप में क्या किया सर, करो फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्टेप में देखो कॉट एक्स है माइनस कॉस एक्स है, तो बेटा कॉट एक्स में यदि पाई बाय टू रखते, पहले सबसे पहले लिमिट सॉल्व करने के पहले मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग डायरेक्टली वैल्यू रख के देख लिया करो, यदि इनडिटरमिनेंट फॉर्म में बन रहा है देन आप लिमिट सॉल्व करोगे या डायरेक्टली आंसर भी, क्योंकि कभी कभी हमें जेई वाले चकमा दे देते हैं, चकमा देने का मीन्स कि मतलब वो लोग क्या करते हैं कि आपको लिमिट का क्वेश्चन होगा बट उसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के डायरेक्टली वैल्यू आ जाती है, ठीक है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनता है, और इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बना तो मतलब लिमिट को सॉल्व हमें नहीं करना है, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। तो सबसे पहले अब यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू हमने रख के देखा तो कॉट पाई बाई टू जीरो माइनस कॉस पाई बाई टू जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो बनना है, जीरो अपॉन ये भी यहाँ पर पाई बाई टू रख दोगे तो जीरो, जीरो अपॉन जीरो फॉर्मेट बनना है, तो मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है देन हमें लिमिट सॉल्व करना है। अब बेटा देखो कॉट एक्स और कॉस एक्स को हमें टेन और साइन में क्यों करते हैं देखते हैं अभी हम, बेटा कॉट एक्स को हम टेन में लिखने के लिए क्या करेंगे, टेन पाई बाई टू माइनस एक्स, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा कॉट थीटा, इसी तरह कॉस एक्स को साइन पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ओके बेटा, नीचे आपने क्या किया, टू कॉमन ले लिया, नीचे जब टू कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्यूब है तो टू बाहर निकल के क्या आएगा, एट बाहर निकल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, पाई बाई टू माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ बोलो, कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। ओके, अब बेटा देखो ये चीज हमने क्यों किया, ये सारी चीजों का मीन्स क्या है, आपने मैंने कल बताया था आपको क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या बताया था, जीरो टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, इसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या आती थी बेटा, वन बाई टू, बताया था कि नहीं बताया था बोलो? यस सर, यस सर। अब बेटा देखो ये कुछ क्वेश्चन इसी तरह का दिख रहा है, देखो टेन यहाँ पर इसको एक्स मान लो, कोई टेंशन नहीं क्योंकि हमने बोला था आपसे, बोला था ये चीज कि नहीं बोला था कि यहाँ पर एक्स कुछ भी हो सकता है, मतलब सब जगह वही होना चाहिए, देखो बेटा एक्स तो हमने ऑप्शन डी आएगा सर, पाई बाई टू माइनस एक्स को एक्स मान लिया यहाँ पर भी बेटा, तो यह क्या दिख रहा है, टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एट इंटू, ये एट को रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, पाई बाई टू माइनस एक्स का होल क्यूब, मतलब टेन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसकी जगह क्या रख सकते हैं बेटा, इसकी जगह आप इतने की जगह क्या रख सकते हैं, वन बाई टू, तो बेटा रख दीजिए आपको वन बाई एट दिया हुआ इंटू वन बाई टू इक्वल टू वन बाई सिक्सटीन। हमने ऐसे क्वेश्चन आपको कभी दिए होंगे तभी हमने बोला है बेटा इसको आप लर्न कर लीजिए,
क्योंकि अब इसके बाद आप फिर सॉल्व करते हैं, जो मैंने कल इसको सॉल्व किया था, तो उसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, कोई लॉजिक नहीं बनता, आप डायरेक्टली इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। ये क्योंकि जेई मेंस जेई 2000 में, मतलब जेई मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इसलिए मैंने बोला देखो एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जब ये चीज हमें लर्न है, और नहीं अदरवाइज आपको फिर सॉल्व करना पड़ता। क्लियर हुआ बेटा? यस ओके यस नोट कर लो, जिसका नोट हो गया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आप लोग ऐसा तो नहीं, मैं ज्यादा क्वेश्चन करवाता हूँ तो आप लोग बोर हो जाते हो, तो कुछ कम कर दूं क्वेश्चन करवाना, बोलो। इस क्वेश्चन को बेटा करिए आप लोग, जो भी है बेटा, यदि आप लोगों से हो रहा है तो मतलब सही होएगा, क्योंकि यदि क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो रहा है तो मतलब सही आएगा आंसर। इस क्वेश्चन को बेटा सबको ही कर, सारे बच्चे ट्राई करें। यस और जल्दी जल्दी आंसर बताइए आप लोग। बेटा लिमिट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से जेई में आते हैं, यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x इनटू साइन 5x अपॉन x क्यूब, और सबसे इजी होता करना साइन 3x इक्वल टू ऑप्शन 10 अपॉन 3 ऑप्शन नंबर बी, 3 अपॉन 10 ऑप्शन नंबर सी, 6 अपॉन 5 ऑप्शन नंबर डी 5.6। ये वाला क्वेश्चन बेटा सबसे हुआ या सॉल्व कराऊं? ओके देखते हैं बेटा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, सबसे पहले तो आप लोग जीरो रख के देख लिया करो यार, साइन जीरो जीरो कॉस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो पॉइंट जीरो फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो कॉस ऑफ साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बेटा यदि हम साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लें, तो कॉस टू थीटा का ऐसा फार्मूला बताओ जिसमें वन कैंसिल हो रहा हो यार, तो क्या आएगा बच्चों? लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस टू साइन स्क्वायर साइन एक्स बाई टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना कॉस ऑफ, यहां पर क्लियर हुआ बेटा सबको? अब वन से वन बेटा, इसको हमने साइन को साइन एक्स को थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो बेटा कॉस थीटा इक्वल टू हाफ एंगल में फार्मूला लगा दो जिसमें वन कैंसिल हो जाए, तो वन माइनस इसको क्या लिख दोगे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो थीटा हमने क्या माना था साइन एक्स, तो वही हमने लिख दिया। क्लियर हुआ रुद्र? यस सर। ओके बेटा वन से वन कैंसिल आउट हो गया, तो आपका फाइनली कितना आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस टू साइन स्क्वायर
साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आप बच्चों माइनस टू तो आगे लिख लेते हैं, तो यहां से हमने माइनस टू हटा दिया, यहां से आगे लिख लेते हैं। अब बेटा आप लोग ये चीज बताओ, साइन स्क्वायर थीटा, तो बेटा आपसे हमने बोला था लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन अंदर कुछ भी जो यहाँ पर थीटा दिया, साइन एक्स बाई टू है ना सर। हाँ बेटा साइन एक्स बाई टू है यहाँ पर, सॉरी ठीक है, साइन एक्स बाई टू हो जाएगा ना सर। ओके ओके ओके। अब बेटा देखो साइन स्क्वायर साइन बाई साइन एक्स बाई टू, तो देखो बेटा यहाँ पर साइन यदि इसको सर वो टू नीचे आ जाएगा, नहीं टू नीचे नहीं आएगा यार, आप लोग ऐसे कर देते हो क्या कभी कभी, साइन थीटा बाई टू लिखा तो इसको अलग अलग कर दोगे क्या, साइन थीटा यहाँ लिख दोगे और यहाँ ऐसे कैसे कर दोगे यार। देखो बेटा अब यहाँ पर साइन थीटा अपॉन थीटा, सॉरी यहाँ पर यदि साइन थीटा, यदि यहाँ थीटा कुछ भी है तो नीचे भी थीटा होना चाहिए तभी आपका ये वन होगा। तो बेटा इसमें आप ऐसा करो साइन एक्स बाई टू का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो इंटू ऊपर कर दो साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। तो आप बेटा ये बताओ ये चीज इसको हटा के ये चीज क्या दिख रही है आपको, वन दिख रही कि नहीं दिख रही, बोलो बोल दो, दिख रहा है तो वन दिख रहा है, तो बेटा वन हो गया, तो माइनस टू इंटू वन इंटू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन फोर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर स्क्वायर अंदर कर ले, नीचे क्या था बेटा इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते क्या, यहाँ गलत हो गया बट नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो यहाँ थोड़ा एंगल के अंदर ठीक कोई बात नहीं बेटा। अब इसमें देखो, अब इसमें पूरे में लिमिट लगा दो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। देखो अब यहाँ पर यार साइन देखो माइनस टू इंटू वन अपॉन फोर, तो इसको बाहर ले लेते हैं एक बार, तो माइनस वन बाई टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां पर क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा ये चीज क्या दे रखती है आपकी, वन दे रखती है कि नहीं, बोलो बोल दो बच्चों, ये वन दिया है कि नहीं, नहीं समझ में। तो बेटा इसको फाइनली आंसर क्या आया, माइनस वन बाई टू इंटू वन, तो माइनस का वन बाई टू शायद आपको ऑप्शन आ रहा होगा ये सर। तो फर्स्ट स्टेप में माइनस वन कॉमन लेके करे तो वन माइनस कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर भी वन अपॉन टू है, तो डायरेक्ट आ जाएगा ना माइनस वन अपॉन टू। सही बेटा, उसको कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी करो मैथ है यार, मैथ में तो क्या है आप कुछ दूसरा करोगे, हम कुछ दूसरा करेंगे, थर्ड पर्सन कोई तीसरा करेगा, तो उसके टेंशन नहीं लेने का ठीक है रोहन। यस नोट कर लो बेटा। यस सर, ये आपने साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर वन हो जाएगा। यस बट ये तो यार वन हो ही जाएगा, माइनस वन इसीलिए वन माइनस वन बाई टू आंसर आया था, क्यों एक्स होगा, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू, हमने स्क्वायर को बाहर ले लिया केवल साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, तो क्या ये चीज तो बनी होती है ना, तो स्क्वायर में तो कोई मतलब ही नहीं, स्क्वायर हो क्यूब हो पावर टेन हो, मैंने बताया नहीं था क्या आपको, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, आई डोंट नो। बताया था सर, मैं सब ओके ओके कोई बात नहीं, अभी तो अपन लोग सीख रहे हैं ना, तो उसकी टेंशन नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है, करो सबके पास दो मिनट का टाइम है। ठीक है, अब आप लोग सॉल्व किए तो मतलब सही होगा, फिर स्क्वायर कर देते हैं। हाँ सर, तो 5/6 सर, 5/6 सर, ठीक है देखते हैं अभी। ये लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे तुम, 1 - cos 2x का होल स्क्वायर 2x tan x -
एक्स टेन टू एक्स। बेटा ये आपका ये भी जेई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने बोला ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जेई में, फ्रिक्वेंटली हर ईयर आते हैं किसी न किसी सीट में। ए ऑप्शन टू, बी ऑप्शन माइनस वन बाई टू, सी ऑप्शन वन बाई टू, डी ऑप्शन माइनस टू। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है रिद्धि आपका कितना आंसर आया? सर एक मिनट कर रहे हैं। ओके ओके, इन लोगों का आंसर गलत है, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। ये नहीं कि ये लोग इन्हीं का आंसर बता देना, इन लोगों ने जो भी आंसर दिया है मुझे। 10/3। हाँ 10/3 जाना मतलब क्लियर है तुम्हारा, शायद ये सही है, मतलब तुम्हारा 90% चांस है जाना क्लियर होने। प्रथम तुम लोग गलत किए हो, प्रथम रोहन जो भी बताया था आंसर, ढूंढो अपनी गलती कहाँ कर रखते हो गलती। अब देखो बच्चों, 1 - cos 2x, sin 5x, sin 3x, ये सब में तो हम लगा सकते हैं, बट 1 - cos 2x में लगा, तो इसको कुछ साइन में चेंज कर लें यार, तो क्या होएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos 2x का ऐसा फॉर्मूला लगाओ कि 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर x होता है सर, साइन स्क्वायर x इनटू। बट सर आपने डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखा ही उसकी 1 - cos 2x / h² की 1/2 होता है, तो कर सकते हो, उससे भी आएगा तो आंसर तो यार वही आना चाहिए। मैं देखता हूँ अभी, उससे भी कर दूंगा 6/5। बट थोड़ा सा बेटा क्या होता है ना कि हम फार्मूला नहीं यूज कर सकते सर। आगे आगे सर पता चल गया कहां गलती सर, वो 4 मल्टीप्लाई नहीं किया था। 10/3 सही है, यदि हमने हमें भी लग जाता ना कोई कौन सा ऑप्शन आएगा। अब देखो बेटा यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, अब इसको थोड़ा सा अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसके नीचे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं बेटा, ओके, इनटू साइन 5x। तो बेटा 5x को हमें 5x नीचे भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5x का मल्टीप्लाई करा दे इनटू। अब बेटा देखो सर इधर एक्स बाई टू नहीं आएगा सर, 2 sin 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अरे यार cos 2x है यार, देखो ना cos 2x, यार सर सॉरी, ठीक है तो sin 3x / 3x (3x). ये चीज सबको क्लियर हुई ना, क्योंकि हमें तो कुछ इस तरह है। अब बेटा ये चीज क्या दिया हुआ, अब लिमिट सब में अलग अलग कर दो, एक स्टेप में और दे रहा हूँ, लिमिट सब में अलग अलग। 2 बाहर कर लिया हमने, 2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x का स्क्वायर इंटू, अलग अलग करके दिखाता हूँ क्योंकि लिमिट मल्टीप्लाई में अलग अलग हो जाती है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 5x अपॉन 5x इनटू 5x इनटू 1 अपॉन लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन 3x अपॉन 3x इनटू 3x। बेटा ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1। अब जो बच्चा कुछ हो सब लिख लो, 2 × 1 × 1 × 5x × 1/3x, तो x कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आंसर 10/3। अब तो आप लोगों सर बट वो फॉर्मूला सर वो फॉर्मूला से करो ना, 1 - cos 2x / x² = 1/2। बेटा 1 - cos 2x / x² मैंने बताया था इसका शायद कितना होता है, गलती होती है। मैं बोल रहा हूँ बस आपको सीखने में आना चाहिए, क्या चीजें समझ में आनी चाहिए, गलती करना हम लोगों का अधिकार है। बेटा ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, बोलो ये जो इतना लेंदी है, ये तो अभी आपको देखना 2 से 3 दिन हो जाने हैं, तो जब लिमिट समाप्त होगी तो आप लोग इसको ऐसा नहीं करोगे यहीं पर, इसको केवल इतने सॉल्व करने के बाद इसमें तुरंत मल्टीप्लाई कराओगे, डिवाइड कराओगे, बस फटाक से सॉल्व कर लोगे।
ये क्वेश्चन रख कर दूं। बस स्टेप यार मत भूलना, मैथ में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना। स्टेप आप लोग भूल गए तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज, ऐसे ऐसे क्या करने हैं। सर 10 2x है, 10 2x है बेटा। 1 cos 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2x tan x माइनस x tan 2x। सेम बेटा ये भी क्वेश्चन वैसे ही लगेगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, 1 cos 2x को cos 2x वाले फार्मूला से कर दो, 1 - 1 + 2 sin² x² अपॉन 2x tan x माइनस x tan 2x। बेटा इस कलर की विजिबिलिटी आ रही ना आपको, प्रथम ये कलर दिख रहा है ना आपको? यस सर। ओके अब बेटा देखो इसमें 1 7 कैंसिल आउट हो गया तो ऊपर क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 sin² x अपॉन 2x tan x माइनस x tan 2x। अब बेटा जैसे इसको थोड़ा स्मार्ट बनते हैं तो यहां पर देखो 4 जो भी जहां लिखा लिखा रहने दो, केवल हमें थोड़ा सा समझना। देखना बेटा सारे बच्चों देखो sin 4x, तो बेटा यहाँ पर sin x यदि यहाँ पर x की पावर 4 कर दे इंटू x की पावर 4 कर दे, कर सकते हैं तो ये चीज शायद 1 बन जाएगी। अब यहाँ पर देखना tan x है, मैं अलग सेकंड कलर यूज किए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए एकदम। देखो यहाँ पर साइन की पावर 4x, तो x की पावर 4 कम ने और इंटू x की पावर 4 कर दिया। ओके अब यहां पर बेटा x अब इंटू में x कर दिया, यहां पर 2x है यहां पर तो 2x इंटू में 2x। क्लियर हुआ सबका? बोलो ये चीज क्लियर हुई नहीं? अब बेटा देखो ये चीज, अब यहां पर ये चीज 1, लिमिट लिखने कोई जरूरत नहीं, ये चीज 1, ये चीज 1। अब इसके बाद जो बचा है लिख लो यार, क्या बचेगा 4 × x^4 अपॉन यही आएगा सर, देख लो यहां पर क्या आएगा बेटा 2x² - 2x² तो ये तो बेटा यार 0 का इनफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो मतलब ये सही नहीं होगा ऐसा। बोलो ऐसा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है ना ये क्वेश्चन, तो ये चीज नहीं होगा तो मतलब हम लोग ऐसे मेथड नहीं यूज करेंगे। ठीक है दूसरा देखते हैं भाई, ये सारी चीजें बेटा आपको सीखनी पड़ेंगी, ये चीज करने के बाद नहीं आया तो हम दूसरा देखते हैं। अब देखो दूसरा क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, बोलो देखो बेटा। अब यहाँ पर आप 4 sin² ये तो कर सकते, यार नीचे कुछ दिख रहा है अभी क्योंकि इस सिस्टम के बाद इसमें अभी देखो यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने गलती क्या कर दी थी, यहाँ तो बेटा 0.0 बन रहा है बट इसके बाद इसमें कुछ किया, यहाँ भी तो अभी 0.0 ही बन रहा है, इसमें लिमिट डायरेक्टली नहीं है तो अब बेटा क्या करेंगे इसमें। देखो यार यहाँ से नीचे से x कॉमन ले लेंगे और tan 2x का फार्मूला लगा देते हैं, x tending to 0 4 sin² x अपॉन x कॉमन ले लो यार अंदर, अंदर क्या बचा 2 tan x माइनस tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x अपॉन 1 - tan² x। अब बेटा थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर लो यार, मैनिपुलेशन करोगे एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा इसमें तो ले लो यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 sin² x अपॉन x, अंदर बेटा जब एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस
टेन स्क्वायर एक्स माइनस टू टेन एक्स, नीचे क्या आया था बेटा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये बेटा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स को ऊपर कर दो यार, और नेक्स्ट सिस्टम में और मल्टीप्लाई वगैरह भी कराऊंगा कुछ, तो फोर साइन की पावर फोर एक्स ब्रैकेट में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स ब्रैकेट में, देखो बेटा अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कुछ करा लो तो क्या आएगा टू टेन एक्स माइनस टू टेन क्यूब एक्स माइनस टू टेन एक्स, अब शायद कुछ कट रहा है क्या, देखो बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो फोर साइन की पावर फोर एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इंटू माइनस का टू एक्स इंटू टू टेन टू एक्स, यहां तक बेटा किसी को डाउट हो तो पूछ लो भी, बोलो बच्चों कोई डाउट है यहां तक, बेटा क्या करते हैं यहां पे टेन को थोड़ा सा साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, करेगा कोई फायदा मिलेगा, ऐसा करते हैं इस टेन क्यूब को केवल चेंज कर लेते हैं बस, ऊपर वाले को रहने दो यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस क्या आ रहा है माइनस फोर, तो माइनस फोर हम बाहर कर देते हैं यार, नहीं टू से टू कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो टू से टू कैंसिल आउट कर दो माइनस टू बाहर कर दो, तो अंदर क्या बच रहा है साइन की पावर फोर एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन x into sin cube x by नीचे cos cube x आएगा, तो इसको हमने cos cube x यहाँ कर दिया, sin cube x ये cancel out हो जाएगा, तो finally next step क्या आएगा minus 2 limit x tending to 0 sin x 1 minus tan square x cos square x upon x, अब बेटा यार इसके बाद आप लोग solve कर सकते हो शायद, मुझे जो लगता है क्योंकि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या बन रहा है, ये चीज तो वन बन रहा है शायद, वन माइनस अब इसमें देखो जीरो का डायरेक्टली पुट कर दो, जीरो डायरेक्टली पुट कर दो तो शायद आ जाएगा, देखो माइनस टू वन माइनस टेन, टेन यहाँ जीरो पुट करोगे तो वन माइनस जीरो आ जाएगा इंटू, अब यहाँ पर जीरो रख दो तो वन आ जाता है इंटू वन, तो फाइनली आंसर कितना आ गया माइनस टू, ऑप्शन नंबर डी, बेटा कोई डाउट है इसमें पूछ लो, कोई डाउट हो तो, बोलो बच्चों कोई डाउट है, वन मिनट सर, ओके सर, अपने राइट हैंड साइड में लास्ट में वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स को डिनोमिनेटर में क्यों आया सर, वन माइनस टेन डिनोमिनेटर में कहाँ है, मतलब इसको नहीं इस साइड से राइट साइड, यहाँ पर बेटा वन माइनस टेन टेन स्क्वायर एक्स है, अब इसको एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो एलसीएम लेने के बाद वो कैसे आया सर, वही एक्स हमने कॉमन ले लिया उसके बाद वो कैसे आया, एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया, हमने एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से, बेटा देखो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan x upon 1 minus tan square x होता है कि नहीं, बोलो हाँ सर यस, तो बेटा इसका फॉर्मूला लगा इसके बाद यहाँ पर LCM ले लिया देन सॉल्व करते चले गए, एक थोड़ा और लास्ट स्टेप सर, बेटा लास्ट सिस्टम में देखो यहाँ पर sin x / x 1 हो गया, देखो 1 इसमें यार कुछ और आगे करने की जरूरत ही नहीं दिख रही, क्योंकि देखो हमने बोला है ना कि जहां पर आपको इंडिटरमिनेंट फॉर्म ना दिखे तो आप डायरेक्टली लिमिट रख सकते हो, यहाँ पर लिमिट रख के देख लो 1 माइनस टेन जीरो जीरो होता है तो हमने 1 माइनस जीरो कर दिया, कॉस जीरो यहाँ रख दो तो कॉस जीरो जीरो सॉरी 1 होता है तो हमने 1 कर दिया, तो माइनस टू इंटू 1 माइनस जीरो इंटू 1 तो फाइनली माइनस टू आ गया, क्लियर हुआ बेटा, बेटा लिमिट तो हम इसीलिए सॉल्व करते हैं जब इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेई का ही बेटा एक क्वेश्चन और इसको भी कराते हैं, क्योंकि जेई के तो क्वेश्चन मैं सारे करा दे रहा हूँ यार, अभी दो से तीन हाँ दो क्वेश्चन में कराने वाला हूँ, इसके बाद दो से तीन क्वेश्चन में होमवर्क में देने वाला हूँ, ठीक है फिर इसके बाद नेक्स्ट बैट पढ़ेंगे क्या होएगा, इसको नोट कर लो यार,
जब आप लोगों को मॉड्यूल या कहीं मिलेगा तो सारे क्वेश्चन जेई उसमें लिखा होगा, जेई वाली सीरीज में दिए होंगे। वन माइनस कॉस टू एक्स, थ्री प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स टेन फोर एक्स इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए माइनस वन अपॉन फोर, ऑप्शन नंबर बी वन अपॉन टू, ऑप्शन नंबर सी वन, ऑप्शन नंबर डी। ये 2013 में आया क्वेश्चन। अरे टेन फोर एक्स है। यस बेटा टेन फोर एक्स है। वन माइनस कॉस टू एक्स एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में वन सॉरी थ्री प्लस कॉस एक्स वाई एक्स इंटू टेन फोर एक्स। पहले तो आप जीरो रख के देखोगे तो शायद जीरो पॉइंट जीरो का फॉर्मेट दिख रहा हो इसमें। टू आ रहा है क्या बेटा? जो भी है मुझे आंसर नहीं पता होते यार। देखो मैं एक जेई के टेस्ट बुक से सारे क्वेश्चन मैं इसीलिए करा दे रहा हूँ। आप लोगों ने सॉल्व किया तो आंसर तो सही आना चाहिए यार, क्योंकि गलती तुम होने के चांसेस होंगे नहीं। रोहन सही होगा आपका आंसर। और आप सोचो टू आ रहा है, टू आ रहा है ना, तो मतलब सबका भी टू आ रहा है, तो मतलब टू ही होगा, मैं भी मान लेता हूँ यार। ठीक है बेटा देखते हैं क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन। इसको तो पहले आप चेंज कर लो, ऐसे कुछ करेंगे ना, बोलो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। वन माइनस कॉस टू एक्स को मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं यहां पर, क्या लिखूंगा, वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में थ्री प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन एक्स टेन फोर एक्स। बेटा वन सेवन कैंसिल आउट हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू थ्री प्लस कॉस एक्स, यहां पर बेटा कॉस फोर एक्स लिख दिया गलती से, अपॉन एक्स टेन फोर एक्स। बच्चों पहले ये बताओ इस टेन फोर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स को इसको गैप कर देते हैं, कर दें तो यहां पर क्या करें, थोड़ा सा अलग अलग लिखने की कोशिश करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, यहां तो दिया हुआ है थ्री प्लस कॉस एक्स दिया हुआ, लिखा रहने दो, अपॉन में एक्स दिया हुआ इंटू टेन फोर एक्स, तो बेटा यहां भी फोर एक्स इंटू फोर एक्स, तो ये वन हो गया और ये वन हो गया। ओके तो बेटा फाइनली क्या बच रहा है यहां पर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, टू इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में थ्री प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स इंटू फोर एक्स। अब बेटा इसको थोड़ा सा एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, टू से ये काट दो, कितना आया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन अपॉन टू ब्रैकेट में थ्री प्लस कॉस एक्स। बेटा क्या डायरेक्ट जीरो रख दे, बोलो अब यहाँ पर जीरो रखो यार, तो वन अपॉन टू थ्री प्लस वन, तो आपका आंसर टू, कॉस जीरो वन होता है, ठीक है, तो आपका आंसर टू। हाँ आप लोगों को टू आ रहा था, ये जेई 2013। बेटा जिससे क्वेश्चन हो रहे हैं ना सारे बच्चों से हो रहे हैं, मुझे जो लग रहा है
और आप लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है कि देखो 2013 में क्वेश्चन आपने 2 मिनट में कर दिया, ये आपका 2014 का है वो क्वेश्चन। मैंने बता रखा है कि ये लिमिट से यहाँ से क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली हर ईयर में पूछे जाते हैं, किसी न किसी सेट में दिए रहते हैं हर ईयर, ईच एंड एवरी ईयर। मतलब ऐसा कोई ईयर जाता हो जिसमें इस तरह का क्वेश्चन ना आता हो। पाई आ रहा है आंसर यस से पाई आता है। ये क्वेश्चन जब मैंने बिट्स का एग्जाम दिया था तब मेरे से पूछा गया था, 2015 में जब मैंने बिट्स का एग्जाम दिया था तो जेई मेंस में 14 में आया था और बिट्स में 15 में पूछा गया था यही क्वेश्चन से, आज भी मुझे याद है। अब बेटा इसको मैं रब करने के बाद 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क में जो जेई के हैं उनको भी सब ऐसे ही है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ यहाँ पर क्लास के, आप लोग घर पे ट्राई करना, नहीं आता आप लोग पूछ लेना ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - cos 2x। बेटा ये क्वेश्चन को ट्राई करो सारे लोग, सबसे मुझे आंसर चाहिए। ये 2015 में आया है, ये तो आपने दिया ना, यस सर आपने दे दिया हो गया 2013 में जो क्वेश्चन लो, 2013 और 2015 में सेम ही क्वेश्चन आए थे ठीक है, चलो कोई बात नहीं इसको मैं नहीं देता हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5/2 2x/2 1 - sin x / 1 + tan x / 5 - 2x/2। ये बेटा क्वेश्चन 2003 में आया था। ऑप्शन नंबर ए इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर बी 1/x, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 1/32। इसके बाद एक क्वेश्चन 19 है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x² sin βx / αx। ये बेटा अल्फा एक्स है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x² sin βx / αx - sin x = 1। यहाँ पर बेटा बोला गया लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन आपसे पूछा क्या गया है 6α + β = what। ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन 12। ये बेटा जेई एडवांस, जेई एडवांस 2016 में आया क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करना, टेंशन नहीं लेना एडवांस वगैरह देख के डरना नहीं ठीक है बेटा। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x² sin βx / αx - sin x
equal to 1. Let alpha comma beta belongs to real, then 6 alpha plus beta equal to what? अब देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. इसमें बेटा पहले जीरो रख के देख लो तो शायद 0.0 बनना होगा. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या आएगा बेटा? साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अब बेटा यहां पर देखो डायरेक्टली, क्योंकि हमने बोला था यहां पर डायरेक्टली जीरो नहीं रख सकते हैं. मैंने बोला था ना यहां पर देखो जीरो रख दोगे तो 1 बन रहा है, तो मतलब इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा. तो चेंज कैसे करेंगे? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपॉन एक्स स्क्वायर. लिख सकते हैं बेटा कि नहीं बोलो? बोल दो. यहां पर कॉस नहीं होगा बेटा, साइन होगा शायद. इसके बाद बेटा ये क्या आएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अब बेटा यहां पर क्या करोगे आप? इसको रिवन बनाने के लिए यहां पाई साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई यहां पर पाई साइन स्क्वायर एक्स का यहां मल्टीप्लाई. तो ये बेटा आपका क्या बन गया? ये 1 बन गया. तो आपका आंसर फाइनली क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अब बेटा ये साइन स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर ये भी 1 हो गया, तो आंसर आ गया आपका फाइनली 5. नोट कर लो बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो. सर वो एक बार स्टेप बोलो ना क्या क्या उसमें से. यहाँ पर इसके नीचे वाला इसपे देखो बेटा साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है. तो यहाँ पर साइन थीटा हमने लिख दिया. अब देखो यहाँ पर साइन थीटा लिया क्या लिखा हो? पाई साइन स्क्वायर एक्स. तो हमको बेटा यही चीज यहाँ पर और लाने पड़ेगी नीचे, क्योंकि साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है. तो बेटा हमने इसको नीचे ले आए और इनटू पाई यहाँ पर पाई साइन स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर और यहाँ पाई साइन स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लाई. तो ये तो बेटा 1 हो गया. तो अब आपका फाइनली क्या बचा? पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये भी 1 हो गया. तो फाइनली 1 सॉरी पाई हो गया. क्लियर हुआ? बोलो. अब पाई माइनस थीटा थीटा होता है सर. यस बेटा पाई जो साइन पाई माइनस थीटा थीटा नहीं होता क्या? नहीं पूछ रहा, वो फॉर्मूला लगेगा सर. यस क्या बेटा बोल लो? हमने बेटा यहाँ पर ये स्टेप ना समझ में आया हो तो कॉस स्क्वायर को हमने लिखा 1 माइनस सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया है. कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लिया, इसमें पाई का मल्टीप्लाई करा दिया, देन फाइनली लिखा है पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स. ओके अब ये साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. अब क्लियर हुआ प्रथम? यही शायद हमको लग रहा है पूछ रहे हो गया. बोलो. हाँ सर क्लियर हो गया. ओके ठीक है. तो आप 2 क्वेश्चन ये आपके होमवर्क में है. अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं. अभी एक क्वेश्चन मेरा मन और है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अभी तक पूछा तो नहीं गया, मेरे को लगता है वो शायद पूछा जा सकता है. आपको मैंने ये चीज पढ़ा रखी क्या? अभी अभी पढ़ा दी क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब इक्वल टू 1/6. ये पढ़ाया या नहीं पढ़ाया बोलो? बोलो बेटा. मुझे लग रहा है शायद मैंने नहीं बताया, मे भी मुझे जो लगता है. अभी नहीं बताया. नहीं बताया सर. ठीक 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 बेटा, अभी मैंने ट्रेलर सीरीज नहीं पढ़ाई ना, इसलिए नहीं बताया. कोई बात नहीं. तो वो वाला जो क्वेश्चन है इसी के बेसिस पे था, तो अभी मैं उसको नहीं कराता हूँ, बाद में कराता हूँ. ओके
ये जो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन था मैं बोल फिर से बोल रहा हूँ, रब तो मैंने कर दिया है देख, ये जो क्वेश्चन, ये बेटा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ज्यादातर जनरल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में बच्चे ज्यादातर जनरली गलती क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली कुछ क्या करते हैं, पाई और कॉस स्क्वायर थीटा को जैसे मैंने साइन स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करा दिया, तो बच्चों देखो बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूँ जो जनरली मैंने देखा है बच्चों को, एक दो बार क्वेश्चन दिया है मैंने बच्चों को जो इसके पहले जो थे, तो वो लोग क्या किए थे डायरेक्टली ये कर देते, क्योंकि मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ फिर भी वो लोग करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पर साइन, बच्चों ने सोचा पाई कॉस स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, हमने क्या किया पाई कॉस स्क्वायर एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ पर पाई कॉस स्क्वायर एक्स का यहाँ पर, बेटा ये वे सही है कि नहीं बोलो, क्या ये कर सकते हैं क्या डायरेक्टली बोलो सर, नहीं आ रहा था मैंने पहले ऐसे ही किया था, देखो हाँ नहीं आएगा आंसर, और आंसर आए भी यदि अभी तो यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपसे कभी कभी विदाउट आंसर पूछे कोई टीचर, तो क्योंकि बेटा देखो पहली चीज आपको मूर्खता क्यों करोगे, मूर्खता नहीं करनी हमें, क्या करना है देखो यहाँ पर मैंने बोला था एक बार नहीं है 50 बार मैं बोल चुका हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन तब होगा जब यहाँ भी बेटा जीरो बन रहा हो और यहाँ भी जीरो, बेटा क्या यहाँ पर जीरो बन रहा है क्या, देखो बच्चे यहाँ तो शायद पाई बन रहा है और यहाँ भी पाई बन रहा है, तो यार जीरो अपॉन जीरो जब बन ही नहीं रहा तो इसको यार वन लिख ही नहीं सकते हम, क्लियर हुआ, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन में जोर देता हूँ कि ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है आपसे और ये टेस्ट पेपर में आपके फ्रिक्वेंटली पूछा जाएगा, मैं बोल रहा हूँ किस टेस्ट पेपर में आपके पड़ जाएगा क्वेश्चन मुझे खुद नहीं पता, तो देन इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। अब बेटा ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं नए स्टेप में, कुछ नया पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम लिमिट्स, अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स देख ली, अब एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम लिमिट, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक ओके। अब बेटा यहां पर कुछ इसमें भी स्टैंडर्ड, जैसे भी मैंने साइन थीटा कॉस थीटा बताया था इसमें भी स्टैंडर्ड होते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, इसको बेटा क्या लिख देते हैं लॉग बेस ई ए ओके, सेकंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, इसको बेटा क्या लिख देते हैं अपन लोग वन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लॉग वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसको बेटा वन अपॉन लॉग ई ए ओके, ये तीन लिमिट्स हैं, नहीं लॉग वन अपॉन एक्स अपॉन एक्स शायद वन आता है, ये कहां से आएगा वन आएगा, एक स्टेप और है यहां पर बेटा ध्यान देना लॉग ई है बेस में, बहुत ध्यान से देखना, और यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो लॉग जब बेस में ए हो जाए वही सेम चीज अपॉन एक्स, तो इसका जो आंसर है वन अपॉन लॉग ई बेस, नोट कर लो बेटा चारों, इनका प्रूफ मैं अभी जब टेलर सीरीज पढ़ाऊंगा ना, अभी तो मैं ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, शायद आज तो नहीं अपन लोग पढ़ पाएंगे टेलर सीरीज, कल पढ़ेंगे टेलर सीरीज ठीक है, तो टेलर सीरीज जब पढ़े तो आप मुझे याद दिला देना, तो मैं सबका प्रूफ बता दूंगा ठीक है बेटा, सारे चार के चारों प्रथम ठीक है, याद दिला देना मेरे को ओके सर, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, याद मेरे को दिला देना तो मैं सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो मैं तो भूल जाता हूँ, मैं 50 बार बोल रखता हूँ ये भी बात कि मैं मेरे से बड़ा भुलक्कड़ कोई नहीं होगा,
नोट कर लो आप लोग, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फोर की पावर एक्स माइनस वन अपॉन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहां पर क्वेश्चन ना कराने की वजह से अभी टेलर से पढ़ाई दूं क्या यार, बोलो पढ़ा देता हूं, मुझे जो लगता है इनका पढ़ा के प्रूविंग दूं फिर क्वेश्चन कराओ, बोलो ऐसा करा दूं क्या कुछ, ऐसा बोलो आप लोग टेलर सीरीज, चलो मैं पढ़ाई देता हूँ टेलर सीरीज क्या है, इनका एक्सपेंशन जो होता है वही टेलर सीरीज बोलते हैं, और कुछ नहीं। मैं करता हूँ इसको क्वेश्चन अभी रहने दो, लिमिट आप लोग ये लिमिट यूजिंग लिमिट बाय यूजिंग एक्सपेंशन, लिमिट बाय यूजिंग एक्सपेंशन, बेटा देखो इनका एक्सपेंशन देख लेते हैं, वन प्लस एक्स की पावर एन, इसका एक्सपेंशन किसी को आता है क्या, वन प्लस एन एक्स प्लस एन क्या होएगा, एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इन टू एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन n माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डैश डैश डैश, मुझे जो बेटा लगता है यहाँ पर n होगा, बुक में आपके मिस्टेक होएगा, इस बुक में दिया हुआ, मुझे लगता है यहाँ पर n होता है, ठीक है, वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब डैश डैश डैश, ठीक है, ऐसे ही करते चले जाएंगे बेटा। सेकेंड देखते हैं e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होएगा, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस डेट डेट डैश, ऐसे ही करते चले जाएंगे। c देखते हैं a की पावर x का देख लेते हैं, वन प्लस एक्स लॉग ई ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल लॉग बेस ई ए होल स्क्वायर प्लस डेट 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 डी लॉग वन प्लस एक्स का देख लेते एक्सपेंशन, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर प्लस डेट डेट डेट, ये ऑप्शन लॉग वन माइनस एक्स का, यहां पर बेटा जहां जाए एक्स वहां पर माइनस माइनस एक्स, यहां पर क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, इसमें सब में शायद माइनस आ जाता है, एक्स क्यू अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर माइनस डेट डेट डेस, ई हो गया। एफ देखते हैं साइन एक्स, साइन एक्स का बेटा एक्स एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल प्लस डेट डेट डेट, ऐसे ही चलता चला जाएगा बेटा, नोट कर लो। सर ये कौन से इसमें आता है सर ये लिमिट, अभी देखते हैं, ये बेटा एक्सपेंशन है क्योंकि कुछ लिमिट्स होती हैं जो हमें एक्सपेंशन के थ्रू ही सॉल्व होंगी अदरवाइज नहीं होंगी, इनका एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा आपको लिमिट में तभी लिमिट सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अभी देखते हैं जो अभी मैंने चार आइडेंटिटी बताई थी ना, मतलब जो चार लिमिट की मैंने बताए थे ना, वो देखना इसी से सॉल्व हो जाएगा। एफ सॉरी जी ऑप्शन देखते हैं, जी में क्या लिखते हैं कॉस एक्स, साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स का भी देख लेते हैं, कॉस एक्स बेटा क्या होता है एक्स एक्स होता है
क्या होता है cos x, 1 माइनस होता है सर, 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस डैश 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 ऐसे ही h, h में tan x, tan x का बेटा एक्सपेंशन लिख लेते हैं, x प्लस x क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 15 x की पावर 15, सॉरी x की पावर 5 हो गया है, x की पावर 5 प्लस डैश 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 ऐसे ही चला जाएगा, h i साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x बेटा क्या होएगा, x प्लस 1 अपॉन 2 इंटू x क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू x की पावर 5.5 प्लस डैश डैश डैश, बेटा बस इतने ही आपके यूज में आते, इसके आगे यूज में नहीं आते, लिखे तो बहुत सारे होते हैं बट कोई मतलब नहीं लिखते बेटा, नोट कर लो बच्चों, ये एक्सपेंशन नोट कर लो, फिर मैं जो अभी चार आइडेंटिटी बताई उनको सॉल्व करके दिखाता हूँ इन्हीं एक्सपेंशन से, ऐसे वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। सर बोलो बेटा, आप बताओ सर, वो टेन एक्स के बाद सर मतलब 2/5 एक्स पावर 5 के आगे वाली टर्म कौन सी होगी? आगे की जरूरत ही नहीं पड़ती, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब सर एक कॉमन यहाँ पर, यहाँ पर बेटा आएगा 4/15 45 ऐसे कुछ आता है, 4/45 एक्स की पावर 7 ऐसे आता है, बट हमें कभी लिमिट में जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, केवल हर चीज के तीन तीन टर्म आप याद कर लो, बस तीन टर्म से ज्यादा चौथे टर्म की कभी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, ये लिमिट का रूल होता है, मतलब लिमिट का रूल क्या होता है, मतलब मैंने जो देख रखे हैं अभी तक क्वेश्चन, कभी फोर्थ टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ी, जैसे इसमें मैंने फोर फोर टर्म लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, केवल आप थ्री थ्री टर्म सबके याद रखना बस, ये बेटा आप जब हायर एजुकेशन करेंगे, इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे, तो सारी जो लिमिट जो सारी टेलर, इनको टेलर सीरीज के रूप में एक्सपेंशन बीटेक फर्स्ट ईयर में आपको सारे एक्सपेंशन दिखाए जाएंगे वहां पर, मतलब पैसे आते हैं सारा कुछ दिखाया जाएगा वहां पर, बुक में दिया रहेगा, और अभी अपने को देखने की जरूरत नहीं है, अभी तो जितना हमें पढ़ना है उतना ही पढ़ते हैं। बेटा नोट हो गया सबसे, बोल दो नोट हो गया तो बच्चों, यस सर, ओके। अब बेटा देखो मैंने पहला क्या लिखाया था सर, क्या लिखाया था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, और इसके इक्वल टू क्या लिखाया था, लॉग ई ए, यही लिखाया था सर, बोलो। अब देखो बेटा ए की पावर एक्स का सीरीज के एक्सटेंशन में यहाँ पर रख दो बस, देन सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, ए की पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स लॉग ई ए प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ई ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बेटा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, इसके बाद जीरो रख दो, तो ये जीरो रख दोगे तो ये जीरो की तरफ ट्रेंड कर जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ गया, लॉग ई ए, क्लियर हुआ, बोलो। देखो बेटा यहां पर एक ई पावर एक्स का एक्सपेंशन रख दिया, 1 प्लस एक्स लॉग ई ए प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ई ए का होल स्क्वायर माइनस 1 दिया है, माइनस 1 ऑलरेडी, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, इसके बाद क्या किया, फिर x से डिवाइड कर दिया सब में, तो यहाँ से x x, यहाँ भी x से डिवाइड होगा, तो यहाँ x बचेगा, फिर भी x से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी x बचेगा, ओके, तो फिर भी ये लिमिट रखोगे तो जीरो की तरफ टेंड कर जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, लॉग ई ए, और यही शायद आपका आता है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है क्या बेटा?
सर फर्स्ट थ्री टर्म्स ही रखेंगे ना हम बेटा कभी भी आपको, हाँ हमेशा आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया जाए कोई प्रूविंग हो आपको, अभी जेई के अंदर फर्स्ट थ्री टर्म से ही काम चलता है, कभी भी फोर टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके सर। सर एक बार वापस समझाओ तो। चलिए ठीक है, मैं समझाता हूँ फिर से, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख देता हूँ। बेटा अब बोलो आप, यहाँ पर एक ही पावर एक्स का एक्सपेंशन रखना है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, बोलो एक ही पावर एक्स का वन प्लस एक्स ठीक है बेटा, एक ही पावर एक्स का एक्सपेंशन रखो, वन प्लस एक्स लॉग बेस ई ए प्लस एक्स लॉग सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल लॉग ई बेस ए का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। बेटा वन से वन कैंसिल आउट हो गया, अब एक्स से ऊपर डिवाइड कर दो। नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, लॉग ई ए प्लस एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल, सब में एक्स से डिवाइड करना है, लॉग ई ए का होल स्क्वायर। अब बेटा एक्स रख दो, आप एक्स इक्वल टू जीरो रख दो तो जीरो, ये तो जीरो हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, लॉग ई बेस ए। बोलो क्लियर हुआ? यस सर हो गया। अब बेटा नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्या था नेक्स्ट, बोल दो यार क्या मैंने लिखा था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये लिखा है था ना, इसके इक्वल टू वन। देखते हैं यहाँ बेटा एक्सपेंशन रख देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन रखो, क्या आता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, बस इतना ही, तीन ही टर्म लिखते हैं, माइनस वन अपॉन एक्स, वन से वन कैंसिल आउट हो गया, एक्स से डिवाइड कर दो बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्स से डिवाइड कर दो या ऊपर से एक्स कॉमन ले लो, नीचे वाला एक्स डिवाइड, नीचे वाला एक्स ऑटोमेटिक कट जाएगा, जैसे कर लो एक्स कॉमन ही ले लो यहाँ पर, वन प्लस एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल अपॉन एक्स, एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब बेटा इसमें क्या करोगे, ये दिया हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स अपॉन टू फैक्टोरियल, तो आप जीरो रख दो तो फाइनली क्या आ गया आंसर, वन। क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। ओके बेटा, हम लास्ट के जो दो हैं वो आप लोग खुद करना, ठीक है। मैं जो टेलर सीरीज अभी लिखी है, अब इनको अभी तो मैंने फार्मूले बताए थे, अभी इनके तो मैं कल क्वेश्चन कराऊंगा, जो स्टैंडर्ड लिमिट बताया मैंने, टेलर सीरीज का एक से दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ठीक है, देखते हैं। अब देखो जो आपने पूछा था टेलर सीरीज का यूज क्या है, देखो क्वेश्चन में कैसे यूज होता है, देखते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके बेटा, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखो जीरो अपॉन जीरो बन रहा होगा, लिमिट रखो जीरो अपॉन जीरो बन रहा। अब बेटा इसमें देखो, अब इसमें टेलर सीरीज रख देते हैं, टेलर सीरीज केवल ई की पावर एक्स में ही लगेगी, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, देखो वन प्लस क्या होता है ई की पावर एक्स का, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल, बताया था ना ऐसे कुछ होता है, बोलो अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बेटा देखो यहां पर, अब ऊपर थोड़ा सा मैं प्लेट कर लेते हैं, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करा देते, माइनस वन माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा वन से वन कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, यहाँ पर ऊपर क्या बचा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर बाई टू, टू फैक्टोरियल क्या होता है बेटा, टू फैक्टोरियल टू ही होता है, ओके, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स क्यू अपॉन थ्री फैक्टोरियल अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बेटा एक्स स्क्वायर से ऊपर ऊपर कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर का, क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो
एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, वन अपॉन टू फैक्टोरियल माइनस एक्स अपॉन थ्री फैक्टोरियल अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, जीरो यहाँ पर रख दो, फाइनली आंसर क्या है, वन अपॉन टू फैक्टोरियल मतलब टू। क्लियर हो बेटा, बोलो या कोई डाउट है? देखो आप लोग इसको देखो, मैं एक मिनट में बेटा किसी को डाउट है बोलो। बोलो बच्चों, वन मिनट से ओके। ये जितनी सारी चीजें पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी जैसे एल हॉस्पिटल रूल आएगा। अभी सारा कुछ पढ़ रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल जैसे ही पढ़ाएंगे तो आप लोग कभी ऐसे ही चीज को यूज ही नहीं करोगे। जैसे जीरो अपॉन जीरो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट देखोगे आप तुरंत ऊपर का डिफरेंशिएशन नीचे का डिफरेंशिएशन, एल हॉस्पिटल रूल तुरंत लगाओगे। और मैं पढ़ाऊंगा पूरी लिमिट खत्म होने के बाद, क्योंकि यदि उसको मैं पढ़ा दूंगा तो आप लोग यही बोलोगे सर ये चीज को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, हम तो एलॉस्टल रूल से डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, आप क्या मतलब गंदी तरीके से करते हो, हम तो एक लाइन में आंसर आता है। बेटा नोट हो गया? यस सर। देखते हैं अब बेटा, जो अभी चारों आइडेंटिटी पढ़ी थी मतलब चारों लिमिट्स की, जो लॉगरिथम लिमिट एक्सपोनेंशियल लिमिट्स पढ़ रखी, अब इनका थोड़ा सा क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो फोर की पावर एक्स, आज की क्लास ऐसा लग रहा है क्या कुछ लंबी, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी क्लास हो रखी है। फोर की पावर एक्स माइनस वन अपॉन थ्री की पावर एक्स माइनस वन, ये क्वेश्चन ये है सेकंड क्वेश्चन। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर बी एक्स अपॉन ऑप्शन ए प्लस बी ए माइनस बी ई की पावर ए बी, ये ऑप्शन इसमें ऑप्शन थ्री फोर, ये ऑप्शन लॉग फोर थ्री, ये ऑप्शन लॉग ई की पावर फोर, ये ऑप्शन। देखते बेटा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सर ए आ रहा है आंसर। हाँ जो भी है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। अब देखो बेटा यहाँ पर 4x को देख के अपन लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, हमें केवल एक ही जगह क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो कुछ उसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं यार अपन लोग। तो क्या करेंगे, 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन x इनटू x का मल्टीप्लाई भी कराएंगे x अपॉन 3 की पावर x माइनस 1, और ये x शायद नीचे आ जाएगा, अलग अलग लिमिट कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 4 x माइनस 1 अपॉन x इनटू लिमिट
वन अपॉन आएगा इंटू वन अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग क्या होएगा बच्चों, लॉग लॉग टू द रेज ई फोर ओके इंटू वन अपॉन इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, लॉग बेस ई थ्री। अब बेटा आपसे ये चीज क्या दिया हुआ है, लॉग बेस ई फोर अपॉन लॉग बेस ई थ्री। बेटा बेस सेम है तो इसको ये भी लिख सकते हैं लॉग थ्री फोर। क्लियर हुआ, नोट कर लो बच्चों। ये कुछ बच्चे स्टार्टिंग में ज्वाइन होते हैं रिमूव हो जाते हैं बाद में, तो क्या मतलब इन लोगों को, क्या है इन लोगों को सब कुछ लॉग ई फोर क्या बेटा, कुछ नहीं सर कुछ नहीं सॉरी। वो लास्ट स्टेप में सर अपने लॉग ई पावर फोर और लॉग ई पावर थ्री फिर उसके बाद बेटा आपसे शायद एक प्रॉपर्टी ये पढ़ा होगा आपने, यदि लॉग बेस ए बी को हम एक नए बेस के साथ लिख लेते हैं लॉग सी बी अपॉन लॉग सी ए, तो यहाँ पर बेटा सी ए नया बेस है, इसको हटाओगे तो क्या आ जाएगा लॉग ए बी। शायद यही चीज हमने यहाँ पर लिख रखी है, बोलो ये लॉग लॉग की प्रॉपर्टी शायद आप लोगों को पढ़ी होगी, ये नहीं पढ़ी होगी तो आप देख लो ठीक है। बेटा लॉगरिथम में किसी को डाउट हो या इनइक्वालिटी सॉल्व करने में किसी को डाउट हो तो कल से मैं इनइक्वालिटी चालू कर रहा हूँ इलेवेंथ में, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जिसको कोई डाउट हो तो, क्योंकि इनइक्वालिटी लॉगरिथम इनके बिना मैथ अधूरी है, दो चीजें ऐसी हैं जिनके बिना मैथ अधूरी होती है। यदि किसी को कोई डाउट हो तो कल आप ज्वाइन कर सकते हैं या ठीक है या तो रिकॉर्डेड वीडियो पड़ा रहता है। टाइम क्या है सर, 3 to 4:15 होता है सर, या आप लोग अपना सर से बात कर लेना, फिजिक्स होता है, नहीं नहीं अपना सर से बात कर लेना तो अपना टाइम का इधर उधर भी कर सकते हो अपना। यदि पढ़ना हो तो रियल किसी के लिए ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैं इनइक्वालिटी और लॉगरिथम में किसी को डाउट हो तो 5 से 6 लेक्चरों में पूरी चीजें खत्म हो जाएंगी, आप सीख लोगे और वो चीजें सीख लोगे तो जैसे अभी ये चीज डाउट आते हैं ना तो ये कभी डाउट होना बंद हो जाएगा और आपको क्वेश्चन बहुत स्मूथली सॉल्व होंगे। मतलब अभी तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री खत्म की है इलेवंथ में, अब कल से बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ, लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री जो भी जो जो है जो मतलब बेसिक मैथमेटिक्स में आता है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करो सर, आप संडे को डाउट सेशन रख सकते हो? बिल्कुल बेटा, ये आपको सर से बात करनी पड़ेगी। देखो मैंने बोल रखा है ना एकेडमिक्स में दूर रहता हूँ, आप लोग जो बोलोगे जब बोलोगे जितनी टाइम बोलोगे मैं क्लास दे दूंगा ठीक है। ओके बस आप लोगों को क्या है ना यार, मैथ में अच्छे नंबर लाओ और रिजल्ट अच्छा देना, बस इतना मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप लोग बोलोगे नहीं सर 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ाओ तो मैं 2 घंटे ही पढ़ाऊँ, टेंशन नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे क्या रिजल्ट चाहिए बस आप लोगों से। संडे को आप लोग रख लेना डाउट सेशन और सारे डाउट मुझे पहले व्हाट्सएप कर देना या जो भी है जैसा करना हो अपना कर लेना, सर से अपना बात कर लेना ठीक है। बेटा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो यार। सर सेकंड वाले में फर्स्ट टर्म e है? यस बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e की पावर ax माइनस e की पावर bx अपॉन x। मैथ में डाउट सेशन होना चाहिए कायदे से संडे को, मुझे जो लगता है एक संडे टेस्ट होना चाहिए एक संडे को डाउट सेशन होना चाहिए, यहां पर ऐसा क्यों नहीं होता मुझे नहीं पता। देखो अब बेटा यहां पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यार इसको कुछ वही e की पावर x माइनस वन अपॉन x के फॉर्म में कुछ बनाने की कोशिश की जाए यार अपन लोग ना, तो बेटा क्या कर सकते हैं e की पावर x रखने दो या माइनस वन कर दो यार, एक प्लस वन कर दो माइनस e की पावर bx अपॉन x। अब बेटा क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e की पावर ax माइनस वन एक ब्रैकेट में ले लेंगे
दूसरे ब्रैकेट में माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, ई की पावर बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। क्लियर हुआ सबको, बोलो। अब बेटा देखो ई की पावर एक्स माइनस वन, अब नीचे भी यदि ए के पावर एक्स कुछ करना पड़ेगा नीचे भी हमें वही, क्योंकि जो हमने बोला क्या है जैसे साइन थीटा कॉस थीटा में होता है तो वैसे यहाँ भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है तो वहां भी यहाँ भी एक्स सेम ही होना चाहिए, ठीक है, तभी बनाएगा इसका। बेटा देखो इसको क्या हो जाएगा e की पावर ए एक्स माइनस वन अपॉन ए एक्स किया इंटू ए एक्स कर दिया, ओके माइनस इसी तरह e की पावर बी एक्स माइनस वन अपॉन बी एक्स किया इंटू बी एक्स हो गया अपॉन एक्स। अब बेटा ये चीज क्या दिख रही है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये चीज वन ये भी चीज वन, तो ऊपर क्या आ रहा है ए एक्स माइनस बी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू ए माइनस बी, यही शायद आपका आंसर होगा। देख लो बेटा कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर इसमें अगर हम सर ऐसा करें कि e की पावर bx से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके करें तो आ रहा था क्या उससे आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है तो ठीक है कोई दिक्कत, आंसर यदि आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बेटा किसी को कोई डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? ऐसे भी बनाने पड़ेंगे आपको चीजें, ठीक है, सोचनी पड़ेंगी, जैसे माइनस वन प्लस वन किया हमने, फिर माइनस कॉमन लेके देखो इस टाइप का बनाया, फिर एक्स एक्स का मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये सारी चीजें आपको खुद सोचनी है, क्वेश्चन में नहीं डायरेक्टली दिखा रहेगा। अब एक क्वेश्चन जेई का कर लेते हैं यहीं पर। सर आपने लास्ट स्टेप में क्या किया सर? देखो बेटा ये चीज तो वन होती है ना, ये भी चीज वन होती है, तो बेटा ये वन हो गया ये भी वन हो गया, तो फाइनली क्या बचा ax यहाँ से bx बचा अपॉन x लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, तो यहाँ से x कट गया तो क्या आएगा a माइनस b आया लिमिट x टेंडिंग टू जीरो a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस वन। इसको भी बेटा कुछ इसी तरह का बनाना पड़ेगा आपको, माइनस वन प्लस वन कुछ करो, इसके बाद आंसर बताओ मेरे को। सारे बच्चे करेंगे इसको, log e a upon b, b option, log e b upon a, c option, log e a b, b option, log e a b। करो बेटा सबको, सारे बच्चे करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन माइनस e की पावर x इनटू साइन x अपॉन x स्क्वायर प्लस ये ऑप्शन माइनस जीरो ये ऑप्शन वन ये ऑप्शन। यहाँ पर क्या करोगे माइनस वन प्लस वन माइनस बी की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन ऑलरेडी दिया हुआ है, देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन माइनस यहाँ पर कॉमन ले लोगे बी की पावर एक्स माइनस वन, अब क्या करोगे अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन, नेक्स्ट स्टेप लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन इंटू अपॉन नीचे क्या करोगे एक्स होता है सर एक्स इंटू एक्स माइनस बी की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स, सब में एक्स एक्स कर लोगे, तो देखो फाइनली क्या आ रहा है आपका, कर लो यार इसके बाद तो आप लोग कर ही सकते हो।
क्या होएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये चीज बेटा ये क्या हो जाएगी, लॉग ई बेस ए, लॉग ई बेस सब में लिख देते हैं, अब लिमिट लिखने कोई जरूरत ही नहीं है, तो क्या आएगा लॉग ई बेस ए इंटू एक्स माइनस लॉग ई बेस बी इंटू एक्स अपॉन, ये भी वन हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ये भी वन हो जाएगा, तो वन इंटू एक्स, एक्स कॉमन लेके ऊपर से नीचे कट हो जाएगा, फाइनली क्या आया लॉग ई बेस ए माइनस लॉग ई बेस बी, इसको क्या लिख सकते हैं लॉग ई बेस ए अपॉन, ऑप्शन जो भी आया आपके। तो नीचे क्या किया से? नीचे बेटा देखो यहाँ पर e की पावर x माइनस वन था, तो यहाँ पर क्या किया डिवाइड x कर दिया इंटू x कर दिया बस, क्योंकि हमें तो फार्मूला यही पता है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x इक्वल टू वन होता है ना, तो इसके इक्वल टू वन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिमाग लगाओ आप लोग। सर माइनस वन आ रहा है। अरे ये तो देखते खन हो जाएगा, ये क्वेश्चन यार रियलिटी बताओ ना, जब मैंने अभी बुक में देखा तो मुझे भी इसका माइनस होने लगा, और शायद मुझे भी लगता है सही ही होगा, क्योंकि मैंने केवल इसको देखा था, वन माइनस ई की पावर एक्स, सॉरी मैंने थोड़ा कर दिया, वन माइनस ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स, ये इसको कुछ नहीं देखा मैंने, केवल सोचा ई की पावर एक्स माइनस वन कॉमन, ये माइनस वन इसमें कॉमन लेंगे और सब कुछ कट के सब वही आ जाएगा शायद, यही शायद होएगा, ये देखते हैं इसको भी। नोट कर लो पहले इस क्वेश्चन को, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं बेटा, जिसका हो नोट हो गया हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, सबका आंसर आना चाहिए, मैं बार बार बोलता हूँ, ऐसा कोई बच्चा ना हो जिसका आंसर ना आए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू ई की पावर थ्री एक्स माइनस सिक्स माइनस वन अपॉन साइन टू माइनस एक्स, ए ऑप्शन थ्री बाई टू, बी ऑप्शन थ्री, सी ऑप्शन माइनस थ्री, डी ऑप्शन माइनस वन। बेटा स्पीड तेज तो नहीं है, स्लो करने की जरूरत तो नहीं है, वो तो बोल देना। इस क्वेश्चन को देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, बेटा इसमें पहली चीज तो माइनस कॉमन ले लिया जो हमें लिखता है साइन एक्स, और नीचे से एक्स कॉमन ले लो यार, तो x प्लस एक्स स्क्वायर, ये चीज दिख रही है। और बेटा आपको शायद इसको थोड़ा सा और इसके मैनिपुलेशन कर लो, पहली चीज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस वन, इसको ऐसे रहने दो, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स, बेटा ये तो वन हो रहा है पहली चीज, हो गया क्लियर, बोलो। अब बेटा फिर इससे एक कॉमन लो x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा वन प्लस एक्स, ये चीज फिर वन हो गई शायद, वन अपॉन वन प्लस एक्स आ रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जीरो पुट कर दो तो वन अपॉन वन प्लस जीरो इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर माइनस हमने ऑलरेडी ले रखा था, हमने लगा दो माइनस, ओके। किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में, बोलो बेटा। नो सर। ओके अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को यार दो मिनट आपके पास टाइम है, इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्वेश्चन आपसे हो गया तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। सर माइनस थ्री। बेटा जल्दीबाजी में आंसर ना देना, आंसर सही आना चाहिए। चलो ठीक है, तुम्हारा माइनस थ्री टिक के रहे हैं।
सारे बच्चों को करने दो, सारे बच्चों को सी आएगा तभी मुझे पता चलेगा सही है। सर इसमें आपने थर्ड स्टेप में क्या किया था वन माइनस ई एक्स वाले इसमें? यहाँ बेटा थर्ड स्टेप में कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पर e की पावर x माइनस वन साइन x, x इसमें कॉमन लिया था तो बेटा x जो है इसको x इधर ले आया था, साइन x के नीचे ले आया था बस, और कुछ नहीं किया। अब इसके बाद ये वन हो गया, ये तो वन हो गया, ओके। अब यहाँ पर क्या बचा e की पावर x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x, अब बेटा इससे फिर x कॉमन ले लो तो क्या आएगा e की पावर x माइनस वन अपॉन x, ये भी वन हो जाएगा, तो फाइनली क्या बच रहा है यहाँ पर वन अपॉन वन प्लस x, ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखने के पहले थोड़ी चीज देखते हैं इसमें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो e की पावर, जहां पर थ्री थोड़ा सा कॉमन ले लो तो x माइनस टू आ रहा है, माइनस वन अपॉन साइन टू माइनस x। अब बेटा देखो यहां पर जीरो बनना होगा, e की पावर जीरो और नीचे भी जीरो ऐसे ही बनना चाहिए, ये चीज हमेशा याद रखना। तो क्या आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू e की पावर थ्री टाइम्स x माइनस टू माइनस वन, बेटा यहाँ पर क्या करोगे थ्री टाइम्स एक्स माइनस टू इन टू थ्री टाइम एक्स माइनस टू अपॉन जो दिया वो उसको लिखो साइन टू माइनस एक्स, तो बेटा ये चीज क्या बन गई वन, तो वन बना दो वन यार, लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू थ्री एक्स माइनस टू। अब यार ये एक्स माइनस टू इसको नीचे लाओ साइन के, मैं इसी स्टेप में दे रहा हूँ, तो क्या आएगा थ्री अपॉन साइन टू माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। अब बेटा यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो फाइनली कितना आएगा माइनस का थ्री अपॉन लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू साइन टू माइनस एक्स अपॉन टू माइनस एक्स, तो बेटा ये भी वन हो जाएगा तो आंसर फाइनली कितना आएगा माइनस थ्री। सही है यार तुम्हारा, बेटा किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो आप पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट है क्या किसी को, जागृत जैनन किसी को कोई डाउट है बोलो। ओके अब आप लोग आप लिमिट में आप कोई भी बुक हो पढ़ी हो, कोई भी पुरानी पढ़ी हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है थीके?